नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। गजरौला सोनाज सिंह का भतीजा अंबाला में किसी प्राइवेट फर्म में काम करता था। 1 अगस्त को उसकी मौत हो गई। अंबाला से उसको परिजनों को लाकर सौंप दिया। परिजनों का आरोप है कि उनके भतीजे की जहर देकर हत्या की गई है। वह अंबाला गए, उनकी अंबाला में भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बिजनौर एसपी सिटी से मिले, एसपी सिटी ने भी उनको कह दिया कि अभी रिपोर्ट बिसरा आने के बाद लिखी जाएगी। दो राज्यों के बीच में एक मृतक के परिजन पिसे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना तो बिजनौर ना अंबाला। आज भी नजीबाबाद सीओ से मिलने के लिए पहुंचे। एक परवीन लाल बहादुर यहाँ इतना बच्चा छोड़ रखा है, हमें पहले अगस्त की इसे 11,000 का कोई नाम नहीं था। इन्होंने जिंदा है, इन्होंने वो हरा बच्चा वो हमारे घर दे दिया इन्होंने, और उसकी मौत का कारण आज तक इन्होंने ये बताया कि नहीं दे रहा कि उसकी मौत हुई कैसे। और इन्होंने जो भी दिया है उसके साथ इतना कुछ घटना जरूर करी है, ये पता नहीं इन्होंने अंबाला मारा या रस्ते में मारा, लाकर हमारे घर भेज दिया। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी? पुलिस कंप्लेंट लिखवाई, उन्होंने कहा अंबाला होगा, अंबाला गए, अंबाला वालों ने कहा कि भाई निजाबाद करो, अब निजाबाद पुलिस का सहारा ले रहे हैं। अब 1.5 महीना हमें भाग तो हो गया है, कंप्लेन अभी हमारी कहीं लिखने को कोई तैयार नहीं। क्या अंबाला वाले भैया, क्या मामला था बताएं? मामला ये था साहब, ये लड़के साइड पर काम कर रहे थे, 4 लड़के, ठीक है सर। काम करते वक्त जो लड़के वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बताया इस लड़के को करंट लग गया, फिर तुरंत इसको हॉस्पिटल में लेके गए। मैं वहाँ से काफ़ी दूर था, 1 घंटे के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा हॉस्पिटल में, ठीक है सर। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने उसे डेड घोषित किया हुआ था। कौन सी साइड पे थे ये? एरिया जो पड़ता है कुरुक्षेत्र, शाहबाद एरिया पड़ता है, अंबाला। वहाँ किसी पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? नहीं, आपने वहाँ किसी अधिकारी को सूचना दी होगी जब बिजली पकड़ा उसको? नहीं सर, अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी। तो मेडिकल यहाँ आके हुआ सर? कहाँ? बिजनौर में आके हुआ। मेडिकल में क्या आया उसका? पोस्टमार्टम अभी रिपोर्ट नहीं भेजा हुआ था। अभी रिपोर्ट नहीं आई आप? नहीं सर, वैसे बिजली से नहीं हम रहते। कंपनी में क्या किस पद में भाई साहब? हमारा कोई पद नहीं सर, हम दिहाड़ी पे नहीं काम करते हैं। क्या नाम, शुभ नाम आपका? परवीन सर। अब ये आपसे क्या कह रहे हैं? ये क्या सच्चाई सामने आनी चाहिए कि उसकी मृत्यु किस चीज़ से हुई। सच्चाई तो आपने बताई कि बिजली पकड़ा। हाँ तो हमने बताया, लेकिन फोन ये बता रहे पोस्टमार्टम में उसकी सर बॉडी नीली हो रखी थी। अच्छा, ठीक है। ये इनका कहना ही है, जो वहाँ पर मौजूदा व्यक्ति थे उन्होंने यही बताया कि उसको करंट लग गया, तार वहाँ उसको लटकी हुई थी, ठीक है। क्या काम करता था लड़का ये? काम गैस का काम करते थे सर। गैस का? हाँ सर। का लगा रखा उन्होंने, डायरेक्ट नहीं कहा कि हाँ होटल साहब। अरे इससे ही दिखा दो ना। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम प्रेम। क्या हुआ आपके भाई के साथ? सर ये जो मतलब परवीन भैया और ये लाल बहादुर भैया थे, तो ये वहाँ पे मतलब मेरे भैया काम करते थे, तो इन्होंने उनको मार दिया। तो हमें नहीं पता कि इन्होंने कहाँ पे मारा है कहाँ पे नहीं, हमें तो मारा हुआ घर पे ला के दिया था। और एक गंगोड़ा गया छोटू है, उसे भी सब कुछ पता है, लेकिन ये दोनों हर बार आ जाते हैं, पर उन्हें छोटू को नहीं ले सकते कभी भी।
अब हम ये चाहते हैं कि बस इस केस का खुलासा हो। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट करी? हाँ की थी, पर ये सुन थोड़ी ना रहे हैं अभी। कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन पा रहा है अभी कोई भी। हमारी कुछ भी 1 अगस्त की बात है, पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया हमारा। आप ऐसी मिले थे? क्या बार मिले? हमें इसके साथ 2 बार मिले। क्या हुआ उन्हें आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि बिस्तरा जैसा आप तरी बिस्तरा जाने दो। हाँ और तब तो आपकी तत्काल कार्रवाई होगी। अच्छा बिस्तरा आज कितने दिन होगा लड़के को मरे हो? लड़के को मरे हो गए 1 अगस्त के बाद। 1 अगस्त यानी 1.5 महीना पूरा हो गया। कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं, अभी धक्के में धक्के दे रही है।